करना है। यहाँ पे बन रहा है शाम का चाय पापा के लिए। पापा को पता नहीं ये क्या आदत है, उनको चाय के साथ कॉफी ही चाहिए रहता है। बचपन से ही देखते आ रही हूँ। अच्छे पापा को देखे आती हूँ गरम गरम चाय ये, और फिर हम रेडी होने जा रहे हैं फटाफट। फिर आपको से मिलती हूँ मैं। गैस में क्या खा रही हूँ, जो हम बचपन में ऐसे खाया करते ना, मैं वैसे लेके खा रही हूँ। इट्स सो फनी आई नो, बट मुझे बहुत पसंद है ऐसे करना। तो हमारे यहाँ पे एक हॉट चिप्स है, वहाँ से मैंने ये लिया है। बहुत फ्रेश और टेस्टी देते हैं ये, कभी कभी चल जाता है यार ये सब। तो फटाफट से खाती हूँ एंड देन रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं शाम के द्वार न्यू ईयर की पार्टी के लिए। लेट्स गो। लॉन्ग किधर ड्राइव पे जा रहे हैं ये इनको ठंडी नहीं लगती, साड़ी पहन के जा रहे हैं। फिर भी लगेगी ठंडी, वहाँ जाने के बाद नहीं लगेगी ठंडी, मंदिर जाने के बाद। हाँ वो तो नाचेंगे तो गर्मी हो जाएगी। Hey, good evening, beautiful souls. तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। Yes, हमेशा की तरह संडे वीकेंड शाम के लिए शाम के द्वार। तो मैं हो चुकी हूँ शाम के लिए रेडी। आई होप आप सब लोग का शाम बहुत खूबसूरत जाए और ये सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाए। सो लेट्स गो। पहले हम जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि आज हो गए हम बहुत ही ज़्यादा लेट। तो पता नहीं कितने देर के लिए आज मिलने वाला है कीर्तन हमें करने। जाते हैं। मैं आज कुछ अलग तरीके से रेडी हुई हूँ। मेरा भाई जब थोड़ा शूट लेगा ना तो मैं दिखाऊंगी मेरा फुल लुक आज का। तो यस, रविवार संडे शाम के लिए सजना अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लुक बस मेरे कान्हा के लिए है, तो वो मुझे देख ले बस तो मेरा लुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उनकी बस एक नज़र पड़ जाए मुझ पर, पड़ी गई रहेगी इतने देर से तो सजरी उनके लिए पड़ी गई रहेगी। तो एक बार फिर भी मंदिर में जाकर उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज मैंने सिंपल सा यहाँ पे ही बस गोपी डॉट्स किए, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमें, और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। फटाफट से जाते इसमें बैठ के, लहंगा पहन के इसमें बैठ के जाना है, इट्स अ बिग टास्क। हमने आज पर्स नहीं लिया यार, हैंड बैग और उसमें पानी का एक बॉटल। लोग खाए गए, मैं कितना कुछ भूल गई हूँ। कोई नहीं, इसको पहले जाते हैं फटाफट। हो गया है 7:30, आज यही हो गया राइट है। फोन में बात करके चला रही है यार। क्या? अरे वो लड़की फोन में बात कर रही है, नंबर प्लेट भी नहीं है।
सारे खाना के भक्त ने अब तक वक्त नहीं नहीं है आज के का कंटिन्यू नहीं है, लास्ट
लास्ट संडे कीर्तन था, कंटिन्यू 9 बजे तक कीर्तन था। आज नहीं सुना प्रभु जी ने किसी का भी। मेरे पीछे मुझे चल रहे हैं जाती कैसी हूँ सज धज के, और जब रिटर्न आती हूँ तो मेरी हालत ऐसी रहती है। तो देख ही लिए रहोगे वीडियो में कि मैं किस तरह से नाचती हूँ सीरियसली। बट हाँ, एक बात आप लोग से बतानी है, एक बात आप लोग से शेयर कर दी आज कि आज इस्कॉन तो गई, कीर्तन में गाया नाचा सब किया, बट हर वक्त जैसा होता है ना, अंदर से मुझे एक शांति सुकून खुशी मिल जाती है, पता नहीं क्यों आज नहीं मिली है मुझे। क्यों नहीं मिली है? 2023 आ गया यार, अब क्या प्रॉब्लम आएंगे लाइफ में पता नहीं। ऐसा होता है कभी कुछ होना होता है तो मन एकदम से ही मुरझा जाता है ना, पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। मैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहती, हाँ आए अप्स एंड डाउन्स, पर इतना भी ना आए कि मैं हैंडल ही ना कर पाऊँ सब चीज़ें। देखते हैं क्या है जो मन आज इतना उदास है काना के द्वार से आने के बाद भी। तो हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोग ने देखा आज का मेरा शाम डे, शाम के द्वार। और यस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मेरा मन आज शांत नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता कारण क्या है कि उनके द्वार से आकर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है। बट हाँ, कान्हा हमेशा ये सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने
मुस्कान को अपनी खुशी को कभी खोना नहीं खोना नहीं चाहिए। और कान्हा भी यही करते, उनके जीवन में भी बहुत दुख थे यार, बहुत दुख, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छूटा, पर उन्होंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ा, वो है उनकी मुस्कान, उनका वो स्माइल वाला चेहरा। तो ये मैं भी आप लोगों के साथ यूँ ही हंसते हंसते मिलती रहूँगी। बाकी जो है कान्हा के हाथ है, उनके भरोसे है, राम भरोसे भाई, तो बस उनके ही हाथ में है क्यों मेरा मुनाफ है, क्या है, कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं पता नहीं, बस हरे कृष्णा करोगे, बस वही संभाल लेंगे सब, और संभाल भी लेते हैं। तो ये थोड़ा सा है मनोदास, बट ठीक है, कोई नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, इसलिए शायद मेरा मन बेचैन है, चैन नहीं पड़ा उनके द्वार से आकर भी। मुझे नहीं पता क्या कारण है, शायद मुझे पता लग जाए कारण कब, तो मैं ज़रूर बताऊँगी क्या कारण था मेरा मन क्यों उनके द्वार से आने के बाद भी ऐसा बोलते ना वो विचलित सा है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्योर बोल रही हूँ, है ना, वर्ड्स होना चाहिए, बोलना चाहिए, उनके मतलब वो गुण आ रहा है मुझ में, आना चाहिए। तो ये इस ब्लॉग को आज मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा स्ट्रांग रहे, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है, कान्हा है तुम्हारे साथ, भोले है हमारे साथ, ओके। तो बस बोलते रहे हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, बोलो राधे श्याम, और बस अपनी ज़िंदगी जियो, जीते रहो, एक एक पल जियो, ओके। 2023 का आज एक तारीख है, बस हरे कृष्णा नाम से इस पल को, हर एक दिन को अच्छे से जियो, अच्छे चीज़ों के साथ जियो। बैकग्राउंड में बहुत सारे कपड़े हैं ना यार, एक्चुअली जो ट्रैवल का प्लान है उसके लिए सब मैंने निकाल निकाल के रखा है, मुझे क्या लेना है क्या नहीं, तो अभी तो साइड में रखूँगी, कल से वापस से शुरू होगा क्या लेना है क्या नहीं। तो यस, वही मैं बोल रही हूँ कि साल का आज एक तारीख है, मेरा व्लॉग आप लोग कल देखोगे 2 को। तो बस हमेशा खुश रहो, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर हार नहीं मानना है, कभी नहीं मानना है, ओके, बस जीते रहो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।